नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। देश में मुनाफे वाली खेती किसानी का चलन बढ़ा है। अब पारंपरिक फसलों से इतर पेड़ों की खेती को भी तवज्जो दी जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार के वन विभाग की तरफ से 10 रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट पर पौधे दिए जा रहे हैं। 3 साल बाद यही सिक्योरिटी डिपॉजिट 6 गुना अधिक अनुदान के साथ उन्हें वापस मिल जाएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास के इतिहास की किताबों में बदलाव किया। इस बदलाव के जरिए एनसीईआरटी की किताबों से मुगल साम्राज्य के किस्सों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस तरह अब स्टूडेंट्स को मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद अब एनसीईआरटी को अपनाने वाले सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड समेत अन्य स्टेट बोर्ड के सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी ने अकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए नए सिलेबस को पेश किया है। बिहार के सासाराम और नालंदा में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य जल रहा है, हमारे लोग जल रहे हैं और ये थर्ड पार्टी खोज रहे हैं। जो पक्ष विक्टिम रहा है उसे ही फंसाया जा रहा है। नीतीश कुमार अपने गृह जनपद को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, इनसे तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं संभल रहा। शुरू से ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत सरकार का रुख सख्त रहा है। अब सरकार ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर ली है। यानी भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून अब क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने पर भी लागू होंगे। ऐसे में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देनी होगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन ने कई नेता अमित शाह को दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे वाले बयान से नाराज दिखे। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि गृह मंत्री ने दंगाइयों को उल्टा लटकाने की बात करके लोगों को संकीर्ण भावना का शोषण करना चाहा है। सुशासन मॉडल से भाजपा अच्छी तरह से परिचित है। भाजपा साथ ही तो उसके नेताओं ने देखा कि दंगाइयों को उल्टा लटकाए बगैर ही राज्य में शांति रहती है। सरकार ने गाजियाबाद से कानपुर जाने वाले आम लोगों को बड़ी राहत दी है, इससे वह कम समय में दूरी तय कर सकेंगे। सरकार ने नए कॉरिडोर गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे को जल्द मंजूरी मिल सकती है। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे की कुल दूरी 380 किलोमीटर होगी। 380 किलोमीटर की इस दूरी को लंबे एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया है। इसके बन जाने के बाद गाजियाबाद और कानपुर के बीच का सफर 3 घंटे में ही तय किया जा सकेगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम जनता दल के औकात को जानते हैं, जदयू की कोई विचारधारा नहीं है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि समता पार्टी वाले बात उनमें नहीं रह गई, वह कब कहां किनके साथ चले जाएं पता नहीं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में देश भर में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को भी धमकी दी गई है। ये धमकी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जारी किया है। उन्होंने सीएम हिमंत बिस्व शर्मा को धमकी देते हुए कहा है कि वह उनकी और भारत सरकार की लड़ाई के बीच में ना पड़े। पटना हाई कोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को हलफनामा दायर कर प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के निर्माण ने कंपनियों को बताने को कहा था कि निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। भारतीय में उत्पादन गतिविधियां मजबूत बनी हुई है। S&P द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जारी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI मार्च में अपने 3 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। देश का मैन्युफैक्चरिंग PMI इस दौरान 56.4 रहा, या पिछले महीने यानी फरवरी में 55.3 था। आम धारणा के अनुसार अगर PMI 50 से ऊपर है तो उत्पादन गतिविधियां बढ़ रही है, और उससे नीचे है तो इनमें सिकुड़न आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में CBI के हरीक जयंती समारोह शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलोंग, पुणे और नागपुर में CBI के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया। PM ने CBI के हीरक जयंती समारोह पर डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का को भी जारी किया है। वहीं इस दौरान CBI का ट्विटर अकाउंट भी लॉन्च किया गया। कारगिल युद्ध के नायक सूबेदार मेजर तेसवे वांग मुडोप कल रात सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए। वीर चक्र से सम्मानित नायक सूबेदार मेजर तेसवे वांग मुडोप ने लेह के पास कल रात एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। सूबेदार मेजर तेसवे वांग मुडोप के निधन से शोक का माहौल है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्पर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रासीम बाली ने कारगिल युद्ध के नायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केरल के कोझिकोड में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक सरफिरे ने चलती ट्रेन में दूसरे यात्रियों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर आग लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर उस शख्स की तलाशी शुरू कर दी है जिसने ट्रेन की बोगी में आगजनी को अंजाम दिया। आगजनी के दौरान ट्रेन में सवार 9 लोग भी
गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी 14 विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सभी विधायक दलों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भाजपा विधायकों से मुलाकात करने के लिए समय सुनिश्चित कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को पीएम के सामने रखा जाएगा। पिछला वित्तीय वर्ष रेलवे के लिहाज से कई मामलों में खास रहा। इस दौरान यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए 8 वंदे भारत ट्रेनों को अलग अलग रूट पर शुरू किया गया। इसके अलावा यात्री किराया और माल भाड़े से मिलने वाले राजस्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी क्रम में दक्षिणी रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई कि राजस्व में करीब 80% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पैसेंजर सेगमेंट में 6,345 करोड़ रुपए रहा, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने और उनका बंगला खाली करने के नोटिस के बीच कांग्रेस पार्टी ने मेरा घर राहुल गांधी का घर कैंपेन शुरू किया है, जिसे अब अखिल भारतीय संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने भी खुलकर समर्थन दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय दास ने कहा है कि राहुल गांधी चाहे तो हनुमानगढ़ी में भी आकर रह सकते हैं, उनका स्वागत है। संकट मोचन सेना के अध्यक्ष का ये बयान बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा सकता है। महिलाओं को निवेश में भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना को पेश किया। इस योजना की घोषणा बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से की गई थी। इसे 1 अप्रैल से निवेश के लिए उपलब्ध कराया गया है। पीएम मोदी ने इसे महिलाओं के लिए एक बेहतरीन स्कीम बताया है। पिछले महीने पीएम मोदी से जुड़े पोस्टर लगाने के खिलाफ 3 लोगों पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इन पोस्टरों में लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। अब इस मामले में पर्चा छापने वाले शख्स का बयान सामने आया है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने इस मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि उसने अब तक कई राजनेताओं के पोस्टर छापे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी पूछताछ या गिरफ्तारी नहीं हुई। देश में बेहतर प्रोडक्शन और नए ऑर्डर के चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3 महीने में सबसे तेज गति से विस्तार हुआ है। देश की दिग्गज कंपनियों ने कई कर्मचारियों को भी नौकरी से बाहर किया। इसके बाद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3 महीने के हाई पर रहा। एक निजी व्यापार सर्वेक्षण के सामने आया है कि संभावित वैश्विक मंदी के प्रभाव को झेलने के बाद भी एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना से बेहतर है। धागे और टेक्सटाइल के बाद अब पानीपत कालीन उद्योग का भी हब बन चुका है। यहाँ के तैयार कालीन यूरोपीय देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अरब देशों की पहली पसंद बन चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार पानीपत से हर साल 7,000 करोड़ का कालीन निर्यात होता है। खास बात यह है कि पानीपत के अधिकतर कालीन हाथ से तैयार किया जाता है, इसलिए महंगा और होने के बावजूद इसकी मांग काफी ज्यादा है। इसरो ने कमाल कर दिखाया। अब इसरो ने ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है जिसके दम पर अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट अब सफलतापूर्वक धरती पर लैंडिंग भी कर पाएंगे। अभी तक सारे रॉकेटों के समंदर में क्रैश लैंडिंग कराई जाती थी, लेकिन इसरो के इस कमाल के बाद अभी रॉकेट सफलतापूर्वक रनवे पर उतर सकेंगे, वो भी बिना किसी नुकसान के। यही नहीं, उन रॉकेट्स को दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। अयोध्या के ऋषि सिंह को रविवार देर रात इंडियन आइडल 13 का विजेता घोषित किया गया। शुरुआत से ही पसंदीदा रहे ऋषि सिंह को 25 लाख रुपए का चेक और एक कार भी दी गई। ऋषि सिंह के विजेता बनने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। रामनवमी पर हुई हिंसा और दंगों को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वह कमजोर हो रही है तो वे दंगे भड़काते हैं और लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बीजेपी का ही कारनामा है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने धरती से खरबों किलोमीटर दूर कुछ रहस्यमयी वस्तुओं की तस्वीरें क्लिक की है। तस्वीर वैज्ञानिकों द्वारा सालों पहले खोजे गए तारामंडल लायरा में मौजूद वस्तु की। यह धरती से 390 मिलियन लाइट्स ईयर दूर है। बता दें कि एक लाइट में ईयर 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर या 5.8 ट्रिलियन मील का होता है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार से 3 दिवसीय भारत दौरे पर। वांगचुक का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने चीन के सीमा को लेकर दिए हालिया बयानों से भारत में नाराजगी है। अपनी यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से बाहर आ गए। हालांकि अभी तक पंजाब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की है। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का सिद्धू से प्यार बरकरार है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों के अनुसार रविवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से फोन पर बातचीत भी की। इसके बाद से पंजाब कांग्रेस में हलचल मच गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह जब शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में पुणे के सांसद गिरीश भालचंद्र बापट और केरल के पूर्व सांसद इनोसेंट के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदन में मौन रखकर
दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई और उसके तुरंत बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा भी कर दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थोटा थिल बी राधाकृष्णन को सोमवार सुबह यहां के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने न्यायमूर्ति राधाकृष्णन के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका असामयिक निधन न्याय प्रणाली और समाज सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने साल 2021 में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर सदन में बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद लीजेंड एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन उन पर भड़क गई थी। जया बच्चन ने उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाई थी, लेकिन अब रवि किशन ने अपने बयान को लेकर सफाई पेश की और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझाया गया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज सोमवार को टप्पल पहुंचे, जहां उन्होंने किसान नेता विजय तालान के घर पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने देश के किसानों को कहा है कि उन्हें इस आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए देश के किसानों को तैयार रहना चाहिए और इस बार एमएसपी की डिमांड पूरे देश में उठ रही है। असम और मेघालय के किसानों को भी एमएसपी का लाभ मिल सके, क्योंकि चावल की खेती वहां के किसान भी करते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, बिट्टू कुमार राज, एमडी साकिर हुसैन, संजय चौधरी, इंद्र देव कुमार, मुकुश सिंह, नौसाद अंसारी और अंशुप्रिया। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।